तो क्या हाल चाल है दोस्तों। यदि आप एक यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब से अपलोड करते हैं, यूट्यूब ऐप से अपलोड करते हैं अपने वीडियोस को, तो आपके सामने एक दिक्कत देखने को मिल जाती है कभी कभी, अनेबल टू प्रीव्यू वीडियो। अब यहाँ पे आप प्रीव्यू करना चाहते हैं वीडियो को लेकिन नहीं कर पाते। यदि आप इसको बैक करके दोबारा से करें तो भी आप यहाँ पर नहीं कर पाते अपने वीडियो का प्रीव्यू। तो आप कैसे कर पाएंगे वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल में एक चीज़ देख लेनी है कि आपके यूट्यूब चैनल में वो ईमेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। आप ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं जो जिस पर भी आपको अपनी वीडियोस अपलोड करनी है वो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्टली सेट कर लेनी है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको जाना है अपने गैलरी ऐप में या जहाँ भी आपने लोकेशन डाल रखी है अपनी वीडियो की, जहाँ पे भी आपकी लोकेटेड है वीडियो, वो आपको लोकेशन खोल लेनी है। तो मैं यहाँ पर गैलरी खोल लेता हूँ अपना फोटोज ऐप। उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी में जाके और जो मैंने काइन मास्टर से जो एक्सपोर्ट की थी काइन मास्टर के फोल्डर में जाके मैं इसको खोल लेता हूँ। तो आप एक तो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, यदि आप अपने वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ से तो कोई भी कर सकता है। अब आप क्या करना है, यहाँ से सीधा शेयर करना। शेयर करने के बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब दिखाई दे जाएगा, अदरवाइज मोर पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर करने के बाद मोर पे क्लिक करके आपको यहाँ पे यूट्यूब का आइकन दिखाई दे जाएगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी ये वीडियो जो है डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड होने के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि YouTube पर आप प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं। तो यही तरीका है जिससे आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। अब प्रीव्यू करने के बाद आप इसका आप टाइटल डालिए या इसको ऊपर एडिटिंग का देखा छोटा सा, उसमें आप इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, वो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको करना वो लिख करने के बाद आपको टाइटल वगैरह लिख के इसको अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपकी जो दिक्कत है खत्म हो चुकी होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस बाय।